नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महेश्वरी फिजियो टीम के द्वारा पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक पर शाम 4 बजे तिरंगा यात्रा निकाला गया। बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में लगभग 40 से 50 फिजियोथेरेपिस्ट ने भाग लिया था। इस यात्रा के दौरान बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाओं के साथ साथ एक नारा भी दिया गया, हमारा सपना दर्द मुक्त हो बिहार अपना। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देश के नेताओं ने बधाई दी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी सभी को धन्यवाद दी और देश के बीच भारत के संबंध को घनिष्ठ बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पड़ोसी देशों को भी धन्यवाद दी और आशा भी व्यक्त की कि देशों के बीच दोस्ती के प्रगाढ़ होते रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 8,813 नए मामला दर्ज किया गया है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 15,040 है। देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 1,11,252 हैं और दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.15% है। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले में 6,000 की कमी आई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कहा, पितृपुरुष करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। टीम इंडिया के कप्तान बदले जाने पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर किसी का जोड़ नहीं चलता। ऐसे में आप ज्यादा खेलते हैं तो चोटिल होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए इंजरी ब्रेक भी लेना जरूरी है। बता दें कि एक साल में तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया 8 अलग अलग कप्तानों की अगुवाई में खेल चुकी है। सुपरटेक के ट्विन टावरों में विस्फोटक लगाने का काम सोमवार यानी 15 अगस्त को भी जारी रहा। बता दें कि टावर को ध्वस्त करने के लिए 60 लोगों के द्वारा यहां 15 दिनों तक रोजाना 290 किलो विस्फोटक लगाया जा रहा है। दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए 9,800 छेद किए गए हैं। इन छेदों में करीब 3700 किलो विस्फोटक का उपयोग किया जाएगा। अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ स्थित जनेश्वर मिस पार्क में आयोजित कार्यक्रम में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा है, आज हमारे देशवासियों को इस बात की चिंता है कि कुछ लोग जाति के भेदभाव को आगे रखकर आपस में झगड़ा कराकर वोटों को साधने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती भाईचारे और सद्भावना के साथ संविधान के रास्ते पर चलकर ही हमारा देश दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग उठाई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, कुछ दोषियों को 15 साल बाद रिहा कर दिया जाता है जबकि अन्य 30 साल या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हैं। सिख कैदी 3 दशकों से जेल में हैं। उन्होंने कहा, रेमिशन पॉलिसी अर्थात माफी नीति देश भर में समान होनी चाहिए। भारतीय फुटबॉल महासंघ को विश्व फुटबॉल संस्था यानी फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के चलते बैन कर दिया है और इसके साथ ही 11 अक्टूबर से होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भी छीन ली है। बता दें कि महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन गोवा और मुंबई में किया जाना था। फिलहाल इसके अगले समय को लेकर फीफा ने कोई जानकारी नहीं दी है। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को देशवासियों की तरफ से व्यापक बल मिला। व्यापार जगत के लोगों ने कहा कि हर घर तिरंगा आंदोलन ने भारतीय व्यापारियों की क्षमताओं को दिखाया। लोगों की मांग को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड 20 दिनों में 30 करोड़ से अधिक तिरंगे का उत्पादन किया गया, जिससे राजस्व में 500 करोड़ का व्यापार किया गया है। देविना बनर्जी इसी साल अप्रैल के महीने में मां बनी है। वहीं एक्ट्रेस ने 4 महीने बाद अपने दोबारा प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दे दी है। उन्होंने तस्वीर को साझा करते हुए देविना ने कैप्शन में लिखा है, कुछ निर्णय दैवीय समल पर होते हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें पूरा करने के लिए जल्द ही आ रहा है। बॉडी बिल्डर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलवंत कटारिया और बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ गई है। स्पाइसजेट विमान के अंदर सिगरेट पीने वाला वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बॉबी कटारिया के खिलाफ सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982 की धारा 3C के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसकी जाँच की जा रही है। इप्सोस इंडिया द्वारा एक सर्वे के मुताबिक रक्षा बल, RBI और भारत के प्रधानमंत्री देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट को 4थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो को 5वें स्थान पर रखा गया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री एक संस्थान के रूप में 3रे स्थान पर है, जिस पर 39% नागरिकों का भरोसा है। इसके बाद करीब 50% लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक पर भरोसा जताते हुए दूसरे स्थान पर रखा है।
बिहार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जिम्मे सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी निर्वाचन रखा है। वहीं तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य दिया गया है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी की ओर से नियुक्त एलजी असफल रहे हैं। 370 इसलिए हटाया था कि इससे कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा और अमन हो जाएगा। बरसों की मेहनत के बाद कश्मीरी पंडित लौट कर आए थे, लेकिन वे असुरक्षित रहे हैं। अब तो कश्मीरी पंडित घाटी को ही छोड़कर जाना चाह रहे हैं। यह मोदी की सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। GCMMF ने कहा है कि गुजरात में अहमदाबाद और सौराष्ट्र, दिल्ली NCR, पश्चिम बंगाल के बाजारों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला किया है। एशिया कप की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नए लुक में नजर आए हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पर नए हेयर स्टाइल के साथ तस्वीरें पोस्ट की है। नए हेयर स्टाइल में हार्दिक पांड्या ने साइड से बाल छोटे करवाए हैं और बीच में फंकी लुक दिया है। हार्दिक पांड्या का यह नया लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। पहलगाम में ITBP जवानों से भरी एक बस खाई में गिर गई है। दुर्घटना में 6 जवानों की मौत हो गई है और 30 जवान घायल हो गए हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि राजू की तबीयत में हल्का बहुत सुधार हो रहा है। दरअसल 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव साउथ दिल्ली की क्लर्क जिम पर वर्कआउट कर रहे थे। ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त अचानक से राजू की सीने में दर्द हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था। अनुराग कश्यप अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए खूब जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने फिल्मों के फ्लॉप होने को लेकर अपना बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों के पास फिल्म देखने के पैसे ही नहीं हैं। यहाँ पनीर पर तो GST लगा हुआ है। लोग हमेशा वही फिल्में देखने जाते हैं जिनके बारे में वह श्योर होते हैं कि वो फिल्म अच्छी है या फिर नहीं। आज़ादी के 75 साल बाद भी बॉलीवुड इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जंगल राज पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक अन्य मार्ग से पहले उन लोगों को शरण होता था जो क्राइम करते थे, लेकिन नीतीश राज में यह सब नहीं होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब ठीक होगा। नीतीश कुमार बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। भारत बायोटेक ने देश की पहले इंट्रोजनल कोविड वैक्सीन के थर्ड फेज का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। बता दें कि यह नाक से दी जाने वाली पहली कोविड वैक्सीन है। भारत बायोटेक के द्वारा इस वैक्सीन का ट्रायल पूरे भारत में 14 जगहों की गई थी। इस वैक्सीन को प्रोक्लिनिकल टॉक्सिसिटी स्टडीज में सुरक्षित, इम्यूनोजेनिक और अच्छी तरह से काम करने योग्य पाया गया था। इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिया जाएगा। रतन टाटा ने मंगलवार को वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप गुड फेलोज में निवेश की घोषणा की। इस नवीनतम निवेश कंपनी की स्थापना शांतनु नायडू ने की है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से शिक्षित 25 वर्षीय नायडू टाटा के कार्यालय में महाप्रबंधक है और 2018 से टाटा की सहायता कर रहे हैं। नायडू ने गुड फेलोज को लेकर कहा कि वह पूरे देश में विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन वह गुणवत्ता से समझौता किए बिना धीमी गति से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही भावना डेहरिया ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराकर देश की आजादी का जश्न मनाया। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तामिया निवासी 30 वर्षीय भावना ने 15 अगस्त के दिन रूस पर भारत का तिरंगा लहराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावना को इसके लिए बधाई भी दी है। व्हाट्सएप के हैकिंग के बाद टेलीग्राम और सिग्नल ने बड़े बड़े दावे किए थे। बता दें कि सिग्नल पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। इस अटैक में करीब 1900 यूजर्स के फोन नंबर के लीक होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल यह साइबर अटैक ट्विलो इनकॉर्पोरेशन पर किया गया है, जो कि सिग्नल को वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ट्विलो इनकॉर्पोरेशन के पार्टनर में फोर्ड मोटर, मेडिकॉर्डो लिब्रे और HSBC जैसी 256,000 बिजनेस कंपनियों के नाम शामिल है। कांग्रेस ने कॉरपोरेट टैक्स में छूट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने आज कहा कि 2 साल में कॉरपोरेट टैक्स कटौती से देश को 1.44 लाख करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर 2019 को सूट बोर्ड की सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया।
भारतीय शेयर बाजार आज एक बार फिर तेजी से बंद हुआ है। सेंसेक्स 369.43 अंकों की बढ़त के साथ 59.842 पर और निफ्टी 127.10 अंक बढ़कर 17,885 पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज सुबह 212 अंकों की तेजी के साथ 59,463 पर खुला और कारोबार शुरू किया, जबकि निफ्टी 99 अंक चढ़कर 17,669 पर खुला और कारोबार की शुरुआत हुई। आज के कारोबार में ग्रासिक, हिडाल्को, JSW, भारती एयरटेल और SBI निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं HDFC लाइफ, अडानी पोर्टर्स, आईसर मोटर्स, BPCL, मारुति निफ्टी पर टॉप गेनर रहे। RS अधिकारी समीर वानखड़े ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की और जाति प्रमाण पत्र मामले में क्लीन चिट देने के लिए NCSC प्रमुख का आभार जताते हुए कहा कि मैंने 11 महीने तक लड़ाई लड़ी, मेरे पूरे परिवार को इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते। मैं विजय सांपला को प्रक्रिया तेज करने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद देता हूँ। 11 अगस्त को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन बुरी तरह पीटती नजर आ रही है। मूवी ने पहले दिन यानी गुरुवार को 8.20 करोड़ के साथ खाता खोला, फिर शुक्रवार को 6.40 करोड़, शनिवार को 6.51 करोड़, रविवार को 7.5 करोड़, सोमवार को 6.31 करोड़ कमाए, जिसके बाद फिल्म ने अब तक सिर्फ 34.47 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते की कहानी और प्यार को दिखाता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मंगलवार को पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन करेगा। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की बात बताई गई है। इतने दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, सोनू पाल, मोहम्मद अफजल मंसूरी, रविशंकर, दीपक कुमार, चंद्रदेव यादव, अनमोल पुष्कर, एस सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक आज के समय में सिनेमा हॉल का चलन पहले की अपेक्षा में क्यों घटता जा रहा है? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।